देखिए, दो तरह से पूरे देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, जी, एक कोर्ट के जरिए और एक प्रशासन के जरिए। सर, ये शुरुआत है, ये दिल्ली को एज अ उदाहरण खड़ा करेंगे और इस उदाहरण को लेके फिर ये बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, पुणे, हर शहर में पहुंच जाएंगे, कानपुर, लखनऊ, पटना, औरंगाबाद, इलाहाबाद, पूरे देश के वाहनों को इनको इसको नष्ट करना है। इसके प्रक्रिया से ये पूरा सिस्टम जो है इस तरह से बना दिया गया है कि एक निचले तबके का आदमी जो है वो कहीं से भी बच ना पाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। शुरुआत से एनजीटी पे भी हम लोगों ने वो किया था, दर्शन भी किया और लगातार तब से धक्के ही खा रहे हैं, या यहाँ प्रोटेस्ट वहाँ प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ असर पड़ नहीं रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये गाड़ियों को और इंसानों को असलियत में एक समान ही आंक रहे हैं। अब हमारे माँ बाप हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी हैं, बूढ़े हो जाएंगे, तो उनके लिए भी इन्होंने अमृत बूटी जो तैयार कर रखी है, तो उनको भी एक तरह से स्क्रैप करने की योजना है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा राष्ट्र मेरी संपत्ति। तो वाहन तो हमारी संपत्ति है ही, राष्ट्र भी हमारी संपत्ति है। इसको नुकसान पहुँचाने का मतलब है कि हमें नुकसान पहुँच रहा है। खैर, इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है वाहनों की। वाहन जो कहा जाता है कि 15 साल की उनकी मियाद होती है और 15 साल बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाता है, उसको लेकर के इनका मानना यह है कि वो स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी उस कंडीशंस को अप्लाई नहीं करती है कि वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अब वो चलाने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सवाल है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल 15 साल पूरे हो जाने से उस गाड़ी की कंडीशन ख़राब नहीं हो जाती, क्योंकि कुछ गाड़ियां, कुछ मालिक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 15 सालों में गाड़ी का बहुत कम यूज करते हैं और वो उतनी क्षतिग्रस्त नहीं होती जैसा कि कानून के हिसाब से उसको माना जाता है। तो आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हमारे चैनल में किस तरह से मानते हैं आपकी सरकार या कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं हमारे वाहनों से खिलवाड़ कर रहे हैं, या किस तरह से हमारे वाहनों को नष्ट करने की जो बात कर रहे हैं? देखिए, दो तरह से पूरे देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, जी, एक कोर्ट के जरिए और एक प्रशासन के जरिए। 2014 में जो एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि 10 साल या 15 साल पुराने डीजल व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाए, अब ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो भी कानून बनेगा विद रीजन बनेगा, पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। हम ये कहते हैं कोई भी गाड़ी कब डिसाइड होगी पोल्यूशन दे रही है, जब पोल्यूशन टेस्ट होगा उसका। कब ये डिसाइड होगा कि वो चलने के लायक नहीं है, जब फिटनेस टेस्ट होगा। लेकिन एनजीटी कहते हैं नो, हम नहीं मानते, ना पोल्यूशन होगा ना फिटनेस होगा, 15 साल पूरे हुए गाड़ी स्क्रैप कर दो। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान सर्वोपरि है, यहाँ ऐसे ऐसे जजमेंट आएंगे तो ये मान के चलिए यहाँ तानाशाही चल रही है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो एक तो ये कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर को भी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे एमसीडी है, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, ये उसको और ज्यादा घालमेल कर देते हैं। अब सिंपल सी बात देखे चलिए, एनजीटी ने कहा स्क्रैप किसको किया जाएगा, BS 1-2 व्हीकल, डीजल होना चाहिए, 15 साल पूरे होने चाहिए, अगर तीन कंडीशन है तो स्क्रैप कर दो जी। लेकिन उस ऑर्डर को दिल्ली पुलिस, एमसीडी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी व्हीकल सड़कों पे मिले, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे सीएनजी है, उठाओ स्क्रैप कर दो। अच्छा, कानून खाली डीजल के लिए था और ये सीएनजी और पेट्रोल को भी कर रहे हैं? कानून डीजल में भी सिर्फ BS 1-2 के लिए है। ओके, यानी डीजल व्हीकल जो 15 साल पुराना है और BS 1 और 2 है उसी को स्क्रैप किया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा व्हीकल है तो उसको NOC दे के छोड़ दिया जाएगा, NCR से बाहर कहीं भी चले वो अपना चलाए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई भी व्हीकल दिल्ली NCR में मिला जिसके 15 पूरे हो गए, सड़कों पे भी खड़ा है, ये गिदगी नजर रखते हैं।
अपने ऑफिस में बैठ के निकलेंगे, वहां गाड़ी खड़ी है, एक गिरोह जाएगा उसको उठालेगा, जनता की सुनेगा नहीं, कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, दो दिन बाद क्या कर दिया जी। बहुत धन्यवाद, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश राणा है जी। थैंक यू सो मच सर। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि कोई 15 साल का जो आखिरी दिन है उस दिन तक तो गाड़ी ठीक है और ठीक उसके अगले दिन वो खत्म हो गई और उसको उठा लेंगे, तो अपना परिचय देते हुए बताएं सर। सर मेरा नाम सचिन गुप्ता है। ये जो भी हो रहा है अवैज्ञानिक हो रहा है, हमारे जो देश के बाहर के भी जो देश है उसमें आज भी 40 50 60 साल पुराने वाहन चल रहे हैं। तो पहली बात तो सिर्फ भारत भूमि पर अचानक से क्यों हो रहा है। सेकंड ऐसा भी ऐसा है, दिल्ली में 15 साल खत्म और बाहर के कुछ राज्यों में जो है वो चलता रहता है। सर ये शुरुआत है, ये दिल्ली को एज अ उदाहरण खड़ा करेंगे और इस उदाहरण को लेके फिर ये बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, पुणे, हर शहर में पहुंच जाएंगे, कानपुर, लखनऊ, पटना, औरंगाबाद, इलाहाबाद, पूरे देश के वाहनों को इनको इसे नष्ट करना है। इसके प्रक्रिया से मैंने जैसे पहले बोला ये इसको कहीं और लेके जाना चाहते हैं जो अलग मुद्दा है, मतलब वो भटक जाएगा मुद्दा, पर इनकी जो लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है जी। मेन हमें ये चीज समझनी है कि इससे हो क्या रहा है समाज में जी। सर इसमें हर घर पीड़ित है, इसमें दो पहिया वाला, तिपहिया वाला, चौपहिया, टेम्पू, ट्रैक्टर, विक्रम, ट्रक, हर आदमी को ये पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उसको बैंक के लोन्स में वापस से बांध रहे हैं ताकि वो पूरी जिंदगी ईएमआई भरता रहे। बेसिकली अमेरिका में क्या होता है, वहाँ बच्चा पैदा होने से पहले ही बैंकों का गुलाम हो जाता है, वो पूरे जीवन बैंक को ही पैसा भरता है। वो सेम सिस्टम अमेरिका वाला इंडिया में लेके आ रहे हैं कि हर आदमी बैंक के जाल में फंसा रहे और जीवन उसी के लिए काम करता रहे। एक वाहन छोटे से अगर किसी का घर चल रहा है, किसी का पूरा परिवार पल रहा है, आप उसको नष्ट कर रहे हैं। बर्बाद किया जाए, आप बहुतों की बहुत अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत सारी मार्केट मंडियां खत्म करने वाले हैं, आप सेकेंड हैंड मार्केट भी खत्म करने वाले हैं, आप बहुत सारी इसके द्वारा जो मैकेनिक्स हैं, बहुत सारी जो एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट है और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उसको भी आप नष्ट करने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे आप इतना एम्प्लॉयमेंट और इतना कैसे सपोर्ट करेंगे देश को अगर आप इतना बड़ा खत्म कर देंगे पूरा सेटअप। तो ये हमारी शिकायत है कि आप जो भी कीजिए लेकिन आम आदमी को पीड़ित मत कीजिए। और सर एक चीज और सोचने वाली है, अमीर आदमी तो 3-4-5 साल में बदल देता है गाड़ी, कौन रखता है सर 10 और 15 साल तक? वो कौन सा वर्ग है जो 10 और 15 साल तक गाड़ी को रखता है? नॉर्मल लोग। तो ये किस पे वार हो रहा है ये समझना जरूरी है सर, कि कौन से वर्ग को क्षति पहुंचाई जा रही है। यही इस समय हो रहा है इस देश जी। सर थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जी मैं स्वीटी सैनी दिल्ली से हूँ और जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, हम लोग इससे पहले भी 16 नवंबर को एनजीटी पर गए थे अपनी मांग को रखते हुए, और जैसे कि राणा जी ने भी बताया, जैसे आप एनजीटी पे पिछला जो प्रदर्शन किया था आपने अपनी बात रखी थी उसको लेकर के कोई सॉल्यूशन निकला, कुछ आपके मिला? कुछ नहीं सॉल्यूशन निकला सर, जैसे अभी सचिन भैया ने भी बताया कि ये पूरा सिस्टम जो है इस तरह से बना दिया गया है कि एक निचले तबके का आदमी जो है वो कहीं से भी बच ना पाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो वही सिस्टम बनाया गया। जब हम एनजीटी गए थे तो हमें ये जवाब दिया गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। एक बिल्कुल निचले तबके का आदमी या मिडिल क्लास आदमी भी अपनी जमा पूंजी को, मतलब मेहनत की, दिन रात की मेहनत की, गाड़ी कमाई से एक वाहन अगर खरीद लेता है, अब उसको बचाने के लिए वो कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, है उसकी इतनी हिम्मत? एक दो वक्त की रोटी कमाना जो है वही बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, निचले तबके के लिए, तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने कौन जाएगा? बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब पूरा सिस्टम इसी तरह से बना दिया गया है, जबरदस्ती लोगों को बर्बाद करके, और बिल्कुल इतना दबा दिया जाए, इतना बर्बाद कर दिया जाए कि आवाज उठाने के लायक भी ना रहे आदमी। धन्यवाद जी मैडम। आपका शुभ नाम, परिचय? मेरा नाम मनीषा चौधरी है और इस मुहिम से जुड़ी हूँ शुरुआत से। एनजीटी पे भी हम लोगों ने वो किया था, दर्शन भी किया और लगातार तब से धक्के ही खा रहे हैं, या यहाँ प्रोटेस्ट वहाँ प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ असर पड़ नहीं रहा है। स्क्रैप करना इन्होंने शुरू कर ही दिया है गाड़ियों को। अब शुरुआत दिल्ली से की है, उसके बाद हरियाणा, यूपी, पूरा एनसीआर का जितना क्षेत्र है उसको वो करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे दायरे को और पूरे देश में इस चीज को लागू करेंगे ये लोग जी। क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही करते हैं।
तो ये तो एक मॉडल अभी सेट कर रहे हैं ना दिल्ली को। हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट जाना सबके लिए मुनासिब नहीं होता, तो आप इतने बड़े संगठन में हैं, तो क्या मिलकर के नहीं सोचते कि सुप्रीम कोर्ट जाके इस बात नहीं पर? बिल्कुल हम लोग कोर्ट के द्वारा भी लड़ेंगे, लेकिन जो जनता को एक संदेश देने का जो हमने एक आसान सा तरीका हमें लगा, वो हमें लगा कि जनता के बीच में जाया जाए। बिल्कुल जंतर मंतर आना इसका ही एक मुख्य कारण था कि जनता को अवेयर किया जाए, कम से कम उन्हें बताया तो जाए कि उन्हें किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से गुंडागर्दी करके उनके वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है, और लूटपाट जो इन्होंने मचा रखी है, ये देख रहे हैं आप भ्रष्टाचार, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है जनता के खिलाफ, और अधिकारी जो है सरकारें सब ऐश काट रही है, है ना, उनको तो कोई परेशानी है नहीं। बिल्कुल सही बात है, जैसे चार चार साल में ये बड़े बड़े सरकारी ऑफिस हो गए, कितनी सहूलियत से भरपूर है ना, और निचला तबका तो वही का वो तो हर दो चार साल में अपनी गाड़ियां चेंज कर देते हैं। एक आम इंसान है जो बेचारा चाहता है कि अपनी गाड़ी को तब तक चलाए जब तक वाकई में वो कबाड़ ना बन जाए, क्योंकि उसे खुद पता होता है मुझे कब उसे जो है ठीक कराना है, रिपेयरिंग की जरूरत है। वो इतने ख्याल से इतने अच्छे से केयर से रखता है ना अपनी चीजों को कि वो चला सकता है उसे 20 साल 25 साल भी, क्योंकि वो इतना कम यूज करता है, क्योंकि पेट्रोल जिस हिसाब से महंगा है उतना नहीं एक आम आदमी चला पाता अपनी गाड़ी को। लेकिन ये तो गुंडागर्दी मचा दी है इन लोगों ने, एक आम आदमी को तोड़ने का, वाहन और प्राइवेट वाहन में भी तो फर्क है। हाँ, एक आम आदमी को तोड़ने का, गरीब और गरीब और गरीब, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए उसका प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। और मुझे तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, ये षड्यंत्र दिखता है इसमें कि कैसे जनता को कमजोर किया जाए, कैसे उसे गरीब बनाया जाए। बस धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये गाड़ियों को और इंसानों को असलियत में एक समान ही आंकड़े हैं। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी हैं बूढ़े हो जाएंगे, तो उनके लिए भी इन्होंने अमृत बूटी जो तैयार कर रखी है, तो उनको भी एक तरह से स्क्रैप करने की योजना है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये सब एक जगह से, एनडब्ल्यू का ही खेल है सारा, सब मिला जुला है। ये जो बड़े खून पसीने से जो गाड़ी कमाई, आप बात कर रहे हो उसमें तो खाली बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी आज हाँ सभी सबको स्कीम है इनके, BS1 और 2 केवल ये डीजल व्हीकल इनके लिए है नियम के अनुसार, क्योंकि Euro 1 और 2 जैसे चलता था फिर, तो वही हिसाब है। ये एक तरह से सबको लपेट रहे हैं, CNG नहीं छोड़ रहे। एक हमारा भाई है भी CNG वाले, उसके लपेट दी, पेट्रोल वाले उन्होंने लपेट रहे हैं, और ये मतलब 3, 4, 5 ये सब लपेट रहे हैं। तो कुछ मतलब समझ रहे मुर्दों के देश समझ रहे हैं कि मुर्दे बसे पड़े हैं पूरे देश में, जिंदा लोग हैं ही नहीं क्या, तो ये लगो तो अभी जिंदा हैं, ऐसी बात नहीं है, आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपके साथ हुआ है, क्या घटना हुई वो बताएं हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम अजय गुप्ता है जी, और मेरी गाड़ी थी जिसको 15 साल हो गए थे, 15 साल पूरे हो चुके थे, पूरे हो गए थे। अच्छा, और 15 साल पूरे हुए, एक ही महीना हुआ था, तो हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे और पीछे से आए और गाड़ी उठा के ले गए। अच्छा, बाद में पता लगा कि भैया गाड़ी उठा के ले गए, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी उनसे, पर उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। मतलब आप घर पे थे नहीं, आपकी गाड़ी वहाँ थी मौजूद, और आपके एब्सेंस में, मेरी एब्सेंस में गाड़ी उठा के ले गए। अच्छा, और दूसरी बात, गाड़ी बहुत बढ़िया थी मेरी। अच्छा, कंडीशन अच्छी थी, बहुत अच्छी कंडीशन थी, पोल्यूशन नहीं करती थी, पोल्यूशन उसका अपडेट था, और दूसरी बात CNG लगी हुई थी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी पोल्यूशन कर कैसे रही थी, क्या एज ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे मतलब किसी भी चीज के उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाया जा सकता है। सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 वर्ष का भी व्यक्ति है या 90 वर्ष का, वो बिल्कुल फिट रहता है, फिट होता है और चलते फिरते कंडीशन में होता है, क्या मुझे रिटायर कर दे जी। तो और दूसरी बात ये है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, गाड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, हम रोज गाड़ी खरीद नहीं सकते और रोज गाड़ी बदल भी नहीं सकते जी। तो हम गाड़ी को तब तक यूज करते हैं जब तक वो यूज करने के लायक है जी, बिल्कुल। जब उससे नुकसान होने लगता है, खर्चा मांगने लगती है, तब हम उसे बदल लेते हैं। हाँ जी। तो गाड़ी अगर हम कोई चला रहा है तो इसका मतलब वो गाड़ी रनिंग कंडीशन में ही है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी जो उठाई गाड़ी, अब जब मेरी गाड़ी उठाई उसके बाद मुझे पता लगा नियमों के बारे में कि उन्हें प्रायर नोटिस भी देना चाहिए था, मुझे कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला, गाड़ी उठा के ले गए। और उसका भी नियम ये है कि अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं गाड़ी को अपनी पर्सनल स्पेस में खड़ा कर लूंगा, तो उन्हें मेरी गाड़ी रिलीज कर देनी चाहिए थी, पर मेरे अंडरटेकिंग देने के बाद भी उन्होंने मेरी गाड़ी रिलीज नहीं की। अब रिलीज नहीं की, अब थोड़े टाइम बाद जब मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैंने आपकी गाड़ी स्क्रैप कर दी है। कर चुके भाई, स्क्रैप क्यों कर दी, नियम के हिसाब से मेरी गाड़ी आप स्क्रैप कर ही नहीं सकते,
पहली बात तो मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी BS3 मॉडल है, BS1 और BS2 को स्क्रैप करने के ऑर्डर है, BS3 को स्क्रैप करने के ऑर्डर ही नहीं है, तब कैसे कर दी? तो सर प्रॉब्लम यह है कि एक तो कानून ऐसे बनते हैं जो लोगों के खिलाफ है, अनैतिक है, लोगों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा जो ये एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन होता है एजेंसी का, ये भी लोगों के बिल्कुल ही खिलाफ है, उन कानून को भी तोड़ मरोड़ के ऐसे लोगों के खिलाफ पेश करते हैं कि उन्हें बहुत ही नुकसान होता है। बिल्कुल सर। और दिक्कत यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कानूनों के बारे में। अगर मुझे ये हादसा होने से पहले अपने कानूनों का पता होता, इन नियमों का पता होता, शायद मेरी गाड़ी नहीं होती। बिल्कुल सर। मैं उन्हें रोक लेता जी। इसीलिए मेरी दरख्वास्त तो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनों का पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में अपना जीवन बचाने का एक ही तरीका है कि हमें कानूनों की जानकारी हो, जिससे हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें, इन लुटेरों का मुकाबला कर सकें। बहुत धन्यवाद सर। जो भी ये नीतियाँ बना रहे हैं जी, आपके माध्यम से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसको आप फोकस करें जी। बिल्कुल। ये जो चीज़ें बिक रही हैं, इनके अंदर जो चीज़ बिक रही है, कोका कोला जैसा जहर भी आ गया, इनके बिना काम चलेगा, गाड़ियों के बिना काम चलेगा, ये कितनी व्यर्थ की है, ये बात है, उनसे पूछना चाह रहे हैं जो भी नीतियां बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अपना परिचय दें और फिर अपनी बात। मैं अमित मेहता दिल्ली से, मैं एक बात पूछना चाहता था इनसे कि ये लोग कहते हैं कि स्क्रैपिंग एजेंसी आपकी 15 साल की लिमिट है डीजल व्हीकल, या 10 साल की है डीजल की और 15 साल की है पेट्रोल की, इस कि हम स्क्रैप कर देंगे जी। तो फिर मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अच्छा। अब वो प्रोटेस्ट में वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे बंदों की आपने 60 साल की उम्र रखी हुई है काम करने की। अच्छा। तो उसको 2 साल इम्प्लीमेंट कर दिया कि नहीं, अब आप 62 साल तक काम करेंगे, तो वो लोग प्रोटेस्ट करें क्यों करेंगे। हाँ जी। कि हमारा तो, लेकिन व्हीकल के टाइम पे आप उसको कम कर देते हो। हाँ जी। और इंसान की बात आती है तो उसको 2 साल बढ़ा देते हो। हाँ जी। ये दोगला चेहरा क्यों जी, किस हिसाब से? मतलब इंसान को भी आप लोग स्क्रैप कर दोगे? कोशिश पूरी जारी है जिस, और जिसको आप पोल्यूशन कहते हो, जो गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं, फिर कैमट्रेल क्या कर रहा है? नॉट ए कॉन्ट्रेल, कैमट्रेल। ये कैमट्रेल क्या है जो पिछले महीने से पूरा घना बादल, काले काले बादल, दुनिया भर के कभी भी कहीं भी बरसात हो जाना, कहीं भी ओले पड़ जाना, बैसाखी से बैसाखी तक फसलें कटती हैं, जिनकी जड़ तक नहीं छोड़ी। अब अगर फूड क्राइसिस आएगा तो भी जनता ही दुखी होगी। बिल्कुल सही बात, अमीर आदमी तो दुखी हो नहीं सकता जी। तो कृपया सरकारें अपना काम सही करें, जनता से ही सरकार है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप लोग खुद ही बन जाते हैं, जनता को मारकर आप सारे संसाधनों पर राज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी भी क्रांतिकारी जिंदा है। धन्यवाद। तो ये थे सरकार पर कड़े प्रश्न उठाते हुए, यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, मेरा वाहन मेरी संपत्ति को लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी बात पर आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।